विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी वो दूसरे लोगों से कुछ अलग ही चलते हैं, वह कुछ लोगों से अलग ही चलते हैं। वही बता रहा हूँ, IITians का पैकेज ज्यादा क्यों होता है और आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का पैकेज ज्यादा कम क्यों होता है। देखो, अगर आप कल को एक इंजीनियर तो बनी जाओगे एक चिरकुट कॉलेज से या फिर IIT से। मैं कहता हूँ इंडिया में सिर्फ तीन तरह के कॉलेज हैं, पहला IIT, दूसरा NIT और तीसरा CIT। IIT पता है, हाँ NIT पता है। CIT क्या है सर? CIT है चिरकुट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आप गए चिरकुट कॉलेज में पढ़े, चिरकुट सी पढ़ाई की और फिर चिरकुट सी पढ़ाई करने के बाद चिरकुट सी नौकरी लगेगी, चिरकुट सी सैलरी होगी, जिंदगी भी चिरकुट हो जाएगी बेटा। तो यू डोंट हैव टू बी अ चिरकुटियन, यू वांट टू बी एन IITian और एन NITian, और उसके लिए तुम्हें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप नहीं कुछ कर सकते, हाँ बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, कोई आपको कहे कि आप यह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसे कहने दो, यह बात आपने मन को मत लगाओ, क्योंकि आप ईश्वर की एक रचना हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ करने में सक्षम हो। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरी थिंग ऑन दिस अर्थ, यानी जो भी दूसरे लोगों ने किया यार तुम भी तो कर सकते हो, तुम भी तो उतने इंटेलिजेंट हो। हाँ सर, तो IITian बनना है कि चिरकुटियन बनना है? सर हमें तो IITian बनना है, चिरकुटियन नहीं बनना है, चिरकुट सी जिंदगी नहीं गुजारनी है, हमें IITian बनना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था व्हाई डू IITians गेट सच अ गुड पैकेज। एक छोटी सी केस स्टडी थी कि एक नामी गिरामी पेस्ट की कंपनी थी, पेस्ट सुबह जो करते हैं, पेस्ट की कंपनी थी। तो पेस्ट की कंपनी की सेल्स, पहले आपको पता होगा पुराने जमाने में इंडिया के लोग कोयले से दांत साफ करते थे, तो फिर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट हुआ कि भाई कोयले से दांत साफ नहीं करने चाहिए, उससे इनामल घिस जाता है, तो इसलिए पेस्ट करना चाहिए। तो लोगों ने पेस्ट करना शुरू किया, कोयला छोड़ दिया, दातुन छोड़ दिया, तो पेस्ट करना शुरू किया, तो उस कंपनी की सेल बढ़ती चली गई। फिर बढ़ते बढ़ते कंपनी की सेल स्टैगनेंट हो गई। स्टैगनेंट का मतलब अब बढ़ती गई, लोग सबने खरीद लिया, आप सब कर रहे हैं, तो स्केल बढ़ती गई, फिर उसके बाद फिर बढ़ाई फिर नहीं बढ़ी। तो फिर क्या हुआ, फिर नया प्रोपागेंडा आया, क्या कि सुबह भी ब्रश करो और रात को सोते हुए भी ब्रश करो। तो फिर क्या हुआ सर, सेल फिर और बढ़ गई, तो उससे कंपनी को फिर और प्रॉफिट हुआ, हाँ कंपनी को उससे और प्रॉफिट हुआ। अब जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, फिर थोड़े समय के बाद फिर सेल स्टेगनेंट हो गई। अब एक मीटिंग बुलाई गई कि भैया अब हम सेल कैसे बढ़ाएं, हमने लोगों को बोल दिया सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, लोग सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं, ये तो नहीं बोल सकते दोपहर को भी ब्रश करो या फिर हर दो घंटे बाद ब्रश करो, फिर तो लोग फेंक के मारेंगे हमारी तरफ। तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है, अब इसको बढ़ा नहीं सकते। पूरी मीटिंग चल रही थी बहुत भयानक, जिसमें विचार विमर्श हो रहा था कि सेल्स बढ़ाई कैसे जाए, कंपनी की सेल बढ़ाई कैसे जाए। तो उस मीटिंग में एक बंदा बैठा था, उसने बोला सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, जो हमारा पेस्ट का जो ट्यूब है ना, ट्यूब जिसमें से पेस्ट बाहर निकलता है, उस ट्यूब का रेडियस बढ़ा दो, उसका रेडियस बढ़ा दो, तो वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, सुबह सुबह आदमी उठता है, पेस्ट दबाता है, उसमें से पेस्ट निकलता है, तो अगर वो बारीक रहेगा तो थोड़ा पेस्ट निकलेगा, लेकिन अगर वो चौड़ा रहेगा तो पेस्ट ज्यादा निकलेगा, खपत बढ़ेगी, अपने आप सेल्स बढ़ जाएगी। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द होल फ्रॉम विच द पेस्ट कम्स आउट। तो यह किया गया। अब मान लो यह करने के बाद, और यह आप अपने पापा से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि थोड़े समय पहले तक, एक समय तक जो पेस्ट की ट्यूब आती थी उसका डायमीटर कम होता था, लेकिन फिर यकायक डायमीटर बढ़ गया। ठीक है ना, और तो इस तरह से सेल बढ़ी। मान लो सेल बढ़ी तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, मान लो सेल के बढ़ने से छोटे से आइडिया के दम पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, तो आप मुझे सोचकर बताओ क्या कंपनी उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया देने से पीछे हटेगी? नहीं सर। क्या वो कंपनी उस आदमी को 2 करोड़ रुपया देने से पीछे हटेगी? नहीं सर। क्यों? आइडिया उसका था। तो इसका मतलब जो लोग IIT में जाते हैं वह सिर्फ इसलिए जा पाते हैं बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली। वो ऐसे नहीं सोचते जो बाकी के लोग जैसे सोचते हैं। बाकी के लोग हंसी में समय गुजार रहे हैं, कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गलिया रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। लेकिन जो IITian होगा वो चुपचाप बैठकर एक कोने में पढ़ाई कर रहा होगा, एक एक चीज सीख रहा होगा, टीचर को बहुत केयरफुली
समझ रहा होगा, देख रहा होगा और साथ साथ जो क्वेश्चन है वो ट्राई भी कर रहा होगा। यह कुछ खूबियां हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी वो दूसरे लोगों से कुछ अलग ही चलते हैं। वह कुछ लोगों से अलग ही